इस मूवी की शुरुआत में हमें बहुत ही फेमस ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी को दिखाया जाता है। काफी वक्त से उस कंपनी ने कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम लॉन्च नहीं की होती है, क्योंकि वो एक ऐसी क्रीम के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसे लगाने पर ज्यादा एज के लोग यंग दिखने लगेंगे, यानी ये क्रीम लोगों की एज को कम कर देती है। मार्केट में ऐसी कोई भी क्रीम नहीं होती है, इसी वजह से क्रीम के लॉन्च होने से इस क्रीम की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। इससे इस कंपनी को काफी ज्यादा मुनाफा होगा। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत होती है, ताकि वो इस क्रीम की मार्केटिंग काफी अच्छे से कर पाए। कंपनी के पहले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर लॉरेन होती हैं। लॉरेन असल में उसी कंपनी के ही ओनर की वाइफ थी। लॉरेन को ब्रांड एम्बेसडर का पद छिन जाने से वो अपने शौहर से काफी ज्यादा खफा होती हैं। वहीं पर हम पेशेंस नाम की शख्स को देखते हैं, जो कि उस कंपनी में प्रोडक्ट के लिए नए नए बॉक्सेस जिन किया करती थी। कंपनी का ओनर पेशेंस को ऑफिस में बुलाता है और वो उसे काफी ज्यादा डांटता है, क्योंकि उसने नए प्रोडक्ट के लिए जो बॉक्सेस के डिजाइन बनाए थे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी वजह से वो पेशेंस को कल तक की मोहलत देता है और अच्छे डिजाइन्स पेश न कर पाने पर जॉब से बाहर निकालने की भी धमकी देता है। घर आकर पेशेंस पूरे फोकस के साथ नए डिजाइन को बनाने में लग जाती हैं। बॉक्स को डिजाइन करने के दौरान ही उसकी नज़र वहां मौजूद एक कैट पर जाती है। अब क्योंकि वो कैट काफी ज्यादा क्यूट थी, इसी वजह से पेशेंस उसे पकड़ने की कोशिश करती है। इस वजह से तब वो कैट ऊपर चढ़ जाती है। पेशेंस को फील होता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने से कैट को चोट लग सकती है, इसी वजह से वो कैट की हेल्प करने जाती हैं, लेकिन उल्टा वो ही वहां पर फंस जाती हैं। वे में टॉम नाम का ऑफिसर होता है, जो कि पेशेंस को देखकर समझता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसी वजह से वो भागकर उसके रूम में जाता है और वो नीचे गिरने से पहले ही उसे बचा लेता है। पेशेंस टॉम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं, इसी वजह से वो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं। बातों के दौरान ही उसे याद आता है कि उसे जल्द से जल्द बॉक्सेस के नए बॉस के पास भेजना है, इसी वजह से वो हड़बड़ी में वहां से निकल जाता, लेकिन उसका पर्स वहीं पर ही गिर जाती है, जो कि ऑफिसर टॉम को मिलता है। इधर पेशेंस कंपनी में आकर नए नए बनाने लगती हैं। पूरे दिन हार्ड वर्क करके वो डिजाइन रेडी कर लेती हैं। इसके बाद वो ओनर के असिस्टेंट को कॉल करती हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पर होता है, इसी वजह से पेशेंस को खुद ही डिजाइन को लेकर ओनर के पास जाना पड़ता है। दरमियान में ही पेशेंस को लॉरेन और साइंटिस्ट नजर आते हैं। साइंटिस्ट लॉरेन को बताता है कि ये क्रीम इतनी जल्दी मार्केट में लॉन्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खामियां हैं। अगर कोई शख्स इस क्रीम को लंबे वक्त तक यूज करता रहेगा तो इससे उस शख्स का फेस काफी ज्यादा खराब हो सकता है और वो शख्स पहले से भी ज्यादा अगली लगने लगेगा। इसी वजह से उसे क्रीम की इन खामियों को ठीक करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, लेकिन लॉरेन इतनी सारी खामियों के बावजूद भी इस क्रीम को लॉन्च करना चाहती थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कोई कंपनी उनसे भी पहले इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दे और सारा का सारा प्रॉफिट वो ही कमा ले। उन लोगों की सारी बातें सुनकर पेशेंस काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। उन दोनों को भी एहसास हो जाता है कि किसी ने उनकी बातें लिसन कर ली है, इसी वजह से वो उस शख्स यानी पेशेंस को मारने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पेशेंस ही हैं। इधर पेशेंस टनल के जरिए आगे बढ़ रही होती हैं, तभी लॉरेन बटन को प्रेस कर देती है, जिससे टनल से काफी फ्लो में पानी निकलता है। अब क्योंकि वो भी टनल के अंदर थी, इसी वजह से पेशेंस के पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। पानी के किनारे हम उसी कैट को नोटिस करते हैं, जो कि पेशेंस के घर पर भी आई हुई थी। वो कैट पेशेंस के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। इसके चंद पलों बाद ही पेशेंस वापस से जिंदा हो जाती है, जो कि काफी अजीब बात थी। अलाइव होने के साथ ही पेशेंस में कैट की सारी एबिलिटीज आ गई होती है। उसे स्मॉल से स्मॉल चीज भी उसे काफी बड़े साइज में नजर आ रही थी। पेशेंस भी अपने अंदर आई हुई एबिलिटी से काफी ज्यादा हैरान होती हैं। खैर नेक्स्ट डे पेशेंस डिजाइन साथ कंपनी में जाती हैं, तब उसे पता लगता है कि बॉस ने उसकी जगह किसी और को जॉब पर रख लिया है। इस बात से वो काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं। पेशेंस इन सब बातों को भुलाकर टॉम के साथ रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर ये दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में वो दोनों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। उस दौरान पेशेंस को फील होता है कि उसमें काफी सारी एबिलिटीज आ गई हैं। वो काफी ज्यादा फास्ट हो गई है और साथ ही उसके सेंस करने की एबिलिटी भी इंक्रीज हो गई थी। वो खुद भी इन सब एबिलिटीज से काफी ज्यादा शॉक होती हैं। बाद में वापस घर आने पर उसे वही कैट नजर आती है जिसने ही उसे इतनी सारी एबिलिटीज प्रोवाइड की होती हैं। उसे भी अब फील होने लगता है कि ये कोई आम कैट नहीं है। बाद में उसे कैट के पट्टे पर एक चिट मिलती है जिसमें किसी शख्स का एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद पेशेंस उस चिट में मेंशन पते पर पहुंच जाती हैं। वो लेडी पेशेंस को राब्ता करती हैं कि ये कैट इजिप्शियन कैट हैं, जो कि अपनी शक्तियों के चलते किसी को भी अलाइव कर सकती हैं और साथ ही साथ उस शख्स में काफी सारी एबिलिटीज को उसके अंदर डाल सकती हैं। सारी बातें सुनकर पेशेंस को सब कुछ समझ में आ जाता है कि कैसे उसमें ये सारी एबिलिटीज आई हैं। बाद में वो लेडी पेशेंस को कैट का नकाब और नया कॉस्ट्यूम देती है ताकि वो अपने अंदर आई हुई इन शक्तियों का यूज करके लोगों की हेल्प कर सके। इसके बाद से ही पेशेंस अपना कॉस्ट्यूम पहन लेती है और वो कैट वुमन बन जाती हैं। सबसे पहले वो इस बात का पता लगाना चाहती थी कि उसे मारने की कोशिश किसने की थी। इसी वजह से वो कंपनी में जा रही होती है। वे में उसे कुछ थीव्स नजर आते हैं जो कि शॉप में रॉबरी कर रहे होते हैं। इस वजह से कैट वुमन वहां जाकर उन्हें रोकने लगती हैं। इस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और जल्द ही वो अपनी पावर्स की हेल्प से उन सबको डिफीट कर देती हैं। बाद में वो सारी ज्वेलरी को लेकर निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है तब उसे काफी ज्यादा गिल्ट होता है कि उसे ज्वेलरी को अपने पास नहीं रखना चाहिए था। इसी वजह से वो एक ज्वेलरी को छोड़कर सबको बैग में रखकर पुलिस को देती हैं और साथ ही वो उनसे सॉरी भी कहती हैं। इधर पेशेंस हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से मिलने जाती हैं। न्यूज से उसे पता लगता है कि कंपनी उस क्रीम को जल्द ही लॉन्च करने वाली है। ये सब सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस क्रीम के इतने सारे साइड इफेक्ट्स होने के बावजूद भी कंपनी का ओनर क्रीम को मार्केट में लॉन्च करना चाहता था क्योंकि उसे बस अपने प्रॉफिट से ही मतलब था और किसी से भी नहीं। इसी वजह से नाइट को कैट वुमन उस कंपनी की लैब में जाती हैं। वहां पर उसे साइंटिस्ट की डेड बॉडी मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वहाँ पर गार्ड आ जाता है। उसे लगता है कि कैट वुमन ने ही उस साइंटिस्ट को मार दिया है। इसी वजह से वो अलार्म बजा देता है जिससे सारे लोग वहां पर आने लगते हैं। ये देखकर कैट वुमन किसी तरह वहां से निकल जाती है। बाद में वो लॉरेन के पास जाती है और वो उससे सवालात करती है कि जब उसकी क्रीम में इतनी सारी खामियां हैं तो वो क्रीम को मार्केट में क्यों लॉन्च कर रही है, ये जानते हुए भी कि इस क्रीम का लोगों की बॉडी पर काफी बुरा असर होगा। इसके जवाब में लॉरेन उसे बताती है कि वो खुद भी नहीं चाहती है कि क्रीम को मार्केट में लॉन्च किया जाए। इन सब में उसके शौहर का हाथ है क्योंकि वो ही क्रीम के साइड इफेक्ट्स को जानते हुए भी क्रीम को लॉन्च करना चाहते हैं। तब कैट वुमन उसे उसके शौहर पर नजर रखने का कहती है। लॉरेन कैट वुमन को सेल फोन देती है ताकि वो जब भी कैट वुमन से राब्ता करना चाहे तो वो कर सके। बाद में कैट वुमन वहाँ से निकल जाती हैं। इधर टॉम ग्लास में लिखे वर्ड्स और इनवेलप में लिखे वर्ड्स की हैंड राइटिंग मैच करता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि थीफ पेशेंस के अलावा कोई भी नहीं है। बाद में लॉरेन कैट वुमन को अपने करीब बुलाती है और वो उसे बताती हैं कि उसे उसके हस्बैंड के अगेंस्ट सारे प्रूफ मिल गए हैं। लेकिन वहाँ जाने पर कैट वुमन को ओनर की लाश मिलती है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेन ने ही मारा होता है क्योंकि वो किसी भी तरह से क्रीम को लॉन्च करना चाहती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कोई उसके वे में आए। इसी के चलते उसने साइंटिस्ट को भी मार दिया था। बाद में लॉरेन अलार्म बजाकर सबको वहाँ बुलाती है कि उसके शौहर को कैट वुमन ने ही मार डाला है। इसी वजह से कैट वुमन को वहाँ से भागना पड़ता है। घर आकर टॉम उसे रॉबरी करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। पेशेंस उसे सारी रियलिटी बता देती है और साथ ही वो कैट वुमन होने वाली बात भी रिवील कर देती है। लेकिन टॉम उसे रिहा नहीं कर सकता था क्योंकि इसके चलते उस पर भी एक्शन लिया जा सकता था। इसी वजह से वो उसे सलाखों के पीछे कर देता है। उसी रात को इजिप्शियन कैट उसके पास आती है। उसे फील होता है कि अगर ये कैट अंदर दाखिल हो सकती है तो वो फिर बाहर क्यों नहीं जा सकती। पेशेंस कोशिश करके सलाखों से बाहर आ जाती है। इधर टॉम को लॉरेन की बातों पर शक हो जाता है। इसी वजह से लॉरेन उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तब ठीक वक्त पर कैट वुमन वहां पर आ जाती हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स करते हैं। फाइट के दरमियान में ही लॉरेन नीचे गिरकर मारी जाती है। नेक्स्ट डे टॉम पेशेंस पर लगे सारे इल्जाम हटवा देता है, जिससे वो आजाद हो जाती हैं। और अब वो कैट वुमन की कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों की हेल्प किया करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।